तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से भाई हमारे YouTube चैनल में और एक धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे दोस्तों ग्रैंड लेक के कम्बिनेशन टीम, प्लेयर सिलेक्शन टिप्स और प्लेयर के सिलेक्शन रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। ड्रीम इलेवन में टीम बनाते वक्त प्लेयर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े पॉपुलर प्लेयर जैसे ट्रेविस हेड, लिविंगस्टन, विराट कोहली, शुभमन गिल को अपने ग्रैंड लीग की टीम से ड्रॉप कर देते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक कई लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसी लॉजिक से हम लोग विनिंग कर रहे हैं और आप लोग लॉस कर रहे हो। तो जिस बंदे ने इस वीडियो को एंड तक देख लिया उसकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी और पूरी जानकारी अगर आपने ले ली तो भाई आज के बाद आप लोगों को सही बताऊं तो ग्रैंड लीग की वीडियो देखने जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सीख गए तो। और प्रेडिक्शन से जुड़े रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे तो फिर आप लोगों का फायदा ही फायदा है। तो अनिमेश जी, आखिर क्या लॉजिक है, हम लोग क्या लॉजिक यूज करते हैं, क्या चीज़ें हम लोग अपने ड्रीम टीम में कस्टमाइज करते हैं, उसको बताने से पहले इनसे लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई हम दोनों लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएँ ज्वाइन कर लें। चैनल के मेंबरशिप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा और यूनिक तरीके से आप लोग विनिंग कर सकते हैं। कैसे हम लोग यहाँ पे पॉपुलर प्लेयर को ड्रॉप आउट कर देते हैं जी, और प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज का क्या सीन होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए इससे होता क्या है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हो गए, पॉपुलर प्लेयर हो गए, उनको अगर आपको टीम पर ड्रॉप करना नहीं आ रहा है तो आप भूल जाइए कि आप ड्रीम इलेवन से कभी भी रैंक वन पर आएंगे, क्योंकि जब तक आप लोग ड्रॉप करना नहीं सीखोगे तब तक आप लोग विनिंग पर फोकस ही नहीं कर रहे हो। आप लोग सिर्फ ये सोच रहे हो कि 49 लगा कर सिर्फ मैं 49 पाऊँ, क्योंकि आप ये बता दीजिए कभी भी आप लोग बड़े प्लेयर्स को हटाओ अपने टीम से, कभी नहीं हटाते हो भाई, कभी नहीं हटाते हो। और रिस्की प्लेयर्स भी बनाओगे तो उस पर भी 5-6 प्लेयर ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन भैया हाई होगा, और रिस्की प्लेयर्स कौन से होंगे, 1-2 प्लेयर। तो बताइए प्रियम जी, कभी ये लोग ग्रैंड लीग पर रैंक वन पर आएंगे? कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप लोग भाई क्या है ना कि आपके पास उतना तो सब चीज़ सही कर रहे हो बट आप लोग को टीम बनाना सही तरीका नहीं आ रहा है। टीम जब तक बना नहीं पाओगे, सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे भागोगे, तब तक चाहे सर पटक दोगे भाइयों, विनिंग्स कर नहीं पाओगे। नंबर वन चीज़ें होता क्या है कि किसी भी ग्राउंड पर मैच है, ठीक है ना, किसी भी ग्राउंड पर मैच है, पिच पर तो होता है ना भाइयों, सबसे पहले मान लीजिए ये मोबाइल है, ठीक है ना, अब इस पिच पर मैच होगा, इसी पिच पर मैच होगा, ये पिच है मान लीजिए, अब इस पिच का जो बिहेव है वो क्या है कि यहाँ पर से भाई पूरी तरीके से बैटिंग को मदद मिलती है, बट ये तो हो गया कि पिच बैटिंग को मदद करेगी, बट इसमें लॉजिक ये है कि ये तो हो गया पिच बैटिंग का, तो 90% लोग पिच बैटिंग के फेवर में टीम बनाएंगे, लेकिन जो 10% लोग होते हैं वही अच्छी टीम बना पाएंगे। अब कैसे बना पाओगे भाई, पिच तो बैटिंग के हैं तो बैटिंग के फेवर में बनाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं भाई, बैटिंग है तो क्या विकेट नहीं गिरेंगे, क्या पूरा ओपनर से चलेंगे, विकेट गिरेंगे ही नहीं भाई, विकेट गिरेंगे अगर T20 पर है 200 भी रन बनेंगे तब भी 6-7 विकेट गिर जाएंगे, 300 बनेंगे तब भी गिर जाएंगे। अभी आप लोग देख लीजिए इंडिया बांग्लादेश का मैच था, इंडिया 300 बना दी T20 पर, लेकिन 6-7 विकेट गिर गए भाई, और रन बनाने के चक्कर में हमेशा विकेट गिरने के चांसेस होते हैं, और उसमें होता क्या है कि उन्हीं बॉलर्स को अपनी टीम पर पिक किया जाता है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है, या तो कोई ऑप्शन छठवां नंबर का है, मान लीजिए टॉप के बॉलर्स को विकेट नहीं मिले, क्योंकि भाई ऑब्वियसली रन बनने वाले इस ग्राउंड पर, तो कोई छठवा बॉलर्स को टीम पर पिक किया जाए, मतलब छठवा बॉलर्स को टीम होता है उसी को बॉलिंग देते हैं, वो होता है ट्रंप प्लेयर। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर टीम है, ठीक है ना, इंडिया की टीम है, इंडिया की तरफ से आज के डेट पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, बट ऑप्शन में अगर मैं बात कर लेता तो जैसे रिंकू सिंह हो गए, ये ऑप्शन वाइज है, मतलब इनको कभी कभी चांसेस मिलता है बॉलिंग का, सूर्य कुमार यादव खुद भी कभी कभी स्विंग में बॉलिंग कर लेते हैं, तो ये सब ऊपरी बॉलर हैं, इनको कभी कभी मौका मिलता है। मान लीजिए बड़े बड़े बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रहे, तो अब होता क्या है, कैप्टन अपने हिसाब से दोस्तों क्या करेगा कि यहाँ पर से बड़े प्लेयर्स को, मतलब कि देखा जाए तो ऐसे बॉलर्स को मौका देगा कि भाई शायद इनके में बॉलिंग में विकेट गिर सकता है, तो वो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है, और ऐसे में बॉलर्स आकर के 1-2 विकेट टीम के लिए निकाल देते हैं, क्योंकि कमजोर बॉलर आएगा ऑब्वियसली मारने के चक्कर में बैट्समैन आउट होता है, बिल्कुल वो सोचेगा कि इतना कमजोर बॉलर आए ही, प्रॉपर गेंदबाज नहीं है, इसके में मार के जितना रन लेना हो ले लो, उसी चक्कर में 2-3 छक्के पड़ जाते हैं, बट विकेट गिरने के चांसेस 90% रहते हैं, ये सब होता है प्लस पॉइंट। और अगर उन्हीं को अपनी टीम पर आप लोग पिक कर सकते हो, उन्हीं का सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लोग अपनी टीम पर पिक करते हो, तो बैटिंग के साथ साथ आप लोग बॉलिंग को भी अपने फेवर में लेकर के और टीम बना दोगे, एकदम 100% भाई चलने वाली है, बिल्कुल चलेगी भाई जी। ड्रीम इलेवन में भाई देखिए वर्क ही इसी प्रकार होता है, अगर आप लोग इस एक स्ट्रेटजी, एक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर चलेंगे, एक तरीके को आप लोग फोकस करके चलेंगे, तो फिर निश्चित तौर पे ड्रीम इलेवन में आप लोग मेगा लीग विन कर पाएंगे, ग्रैंड लीग विन कर पाएंगे जी, और यही ग्रैंड लीग का स्ट्रक्चर आप लोगों को विनिंग जोन तक ले जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के क्या आती है, मेगा कॉन्टेस्ट विन करने के लिए
मेगा कॉन्टेस्ट विन करने के लिए सबसे ज़रूरी दोस्तों होती है वो है हमारी प्लेइंग इलेवन। अगर कोई ये कह दे कि सिर्फ कप्तान उप कप्तान के दम पे आप लोग विनिंग कर लोगे, भाई मैं तो नहीं मानता हूँ जी, क्योंकि प्लेइंग इलेवन पूरी पूरी दमदार होनी चाहिए। आपकी टीम को विनिंग जोन में लाने के लिए आपके इलेवन के इलेवन प्लेयर रनमेज जी जिम्मेदार होते हैं। अब सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, मान लीजिए एक टीम है जिसमें 1 करोड़ रुपीज़ के प्राइस पे मेगा पूल में फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं प्रीमियम जी, जो आज भी डाउनलोड किया है ना, वो भी बंदा जाकर के उसी में पैसे लगा देगा 49 रुपये, उसको 1 करोड़ रुपये दिख रहा है, 2 करोड़ रुपये लालच दिख रही है। बट आप लोग ये नहीं देख रहे कि भाई उस 2 करोड़ के चक्कर में आपको 2 करोड़ लोगों की ही टीम से लड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरे भाइयों नीचे चले आओ, ये कोई सोचता ही नहीं है, सबको बस दिखता है 1 CR वाला प्राइस, 49 लगा दिया अरे जीत जाएंगे। अरे भाई कितने लोगों से आपकी टीम फाइट करेगी? आप ये तो भी तो देखो, बिल्कुल T10 के मैच में 15-20 हज़ार यहाँ पे लोग रहते हैं, आप 20 हज़ार में लड़ दोगे कि आप लोग 2 करोड़ में लड़ दोगे? ये खुद सोचो आप। अब लगता है काफी लोग कहेंगे भाई चिल्लर में पैसे नहीं कमाने, 1 करोड़ 2 करोड़ कमाने। अरे चिल्लर वाली बात नहीं होती है भाई, बात होती है यहाँ पे विनिंग करने की। डेली बेसिस पे 15-20 हज़ार कमा रहे हो, 2 करोड़ वाले से अच्छे हो आप जी। अब मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग का टेलीग्राम पर हम लोग क्या है डेली वाइज पर अर्निंग करवाते हैं भाई, 2000-3000 रुपीज आप लोग कमा सकते हो। बट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना है, वहाँ पर आपको बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ से अर्निंग होती है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा यार, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। टीम बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक नॉलेज गेन नहीं करोगे, जब तक सही तरीके से टीम नहीं बना पाओगे। क्यों हर बंदा क्यों कमा रहे रहा है? जो भी हम लोग क्यों कैसे कमा लेते हैं, वही टीम आपकी मतलब कि लॉस कर जाती, हमारा तो विन कर जाती भाई। क्यों? क्योंकि हम लोग करते हैं दोस्तों यहाँ पर से आपको जो टीम प्रोवाइड होती है, जो भी चीज़ें आप लोग, वो गलत जगह पर आप लोग लगा रहे हो। आप लोग 1 करोड़ के लालच में पड़े रहोगे तो 49 में बहुत अच्छी टीम मेरी हो गई, प्रियम जी मैं 1 लाख के अंदर भी रैंक में आ गया तब भी मुझे 100 ही रुपीज़ मिलेगा। अब आप बताइए, और अगर वही टीम अभी स्मॉल लीग 2 मेंबर 3 मेंबर में लगी होती तो अच्छा खासा मोटा पैसा दे करके जाती। ये आप लोग नहीं समझते हो, आप लोग सिर्फ मजे के लिए अगर लगा रहे हो तो एक टीम में ग्रैंड लीग पर लगाओ, बट अगर ज़्यादा फोकस करो तो वो हेड टू हेड 3 मेंबर्स ये स्मॉल लीग पर लगाओ। ये विनिंग करने के चाहे, जो बंदा पैसा कमाना वाला है ना वो ग्रैंड लीग कभी नहीं खेलता है, जो कमाना चाहता है, जो रेयर में बंदा ड्रीम इलेवन खेलता है ना वो कभी भी ग्रैंड लीग नहीं खेलता है, वो स्मॉल लीग पर ट्राई करता है, वो 3 मेंबर 4 मेंबर में आता है, हेड टू हेड पर आता है। मानसिकता बदलो और विनिंग करने के चांसेस को बढ़ाओ जितना हो सके। बिल्कुल, इसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पर विजिट करें हम लोगों के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग जानकारी जीएल ट्रिक प्रेडिक्शन टीम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।